यात्री हैं और चलो पहले शिव जी का दर्शन किया जाए। जी हाँ सखी, उसके बाद में चलेंगे। गौदई के शिव का मनाई हो, शिव मानस पर के गिर दिया। चाचा जी, हाँ, तुम यहाँ कैसे? मैं कैसे? जी हाँ ठीक है, बतला रहे हो कैसे? अरे पूजा की थाल लेकर कहाँ को जा रही हो? तुम सच कह रहे हो, मैं मानता हूँ। हमें पहले यकीन था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ दर्शन करने के लिए। लोग आए हैं दर्शन करने शिव जी के लिए। हम आए हैं गोरा पार बतेले से तुम्हारे मौसी, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है चाचा जी, क्या कहना चाहते हो बताइए। अरे ममता,
ममता हमारी बात को एक मान जाओगे। से कैसे बुरा मान जाऊंगी, चाचा जी से कैसे बुरा मान जाऊंगी, अरे कदमों में सदा आप ही के मैं। चाचा जी ये क्या कर रहे हो, आप तो मेरे चाचा लगते हो, ऐसी बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। नहीं शोभा देती है, इसीलिए मैं पहले तुमसे कह दिया था कि क्या हमारी बात पूरा तुम्हें मानोगी। तब कह रही थी कि नहीं मानोगी, अब कह रही हो चाचा जी। सुनो मेरी बात ध्यान से। ठीक है चाचा जी, मैं खुल्ला खुल्ला कह रहा हूँ। क्या बात है? तो क्या बात है? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ बार बार चाचा 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 कभी कभी। अरे तो आप मेरे चाचा लगते हो, इसीलिए मैं चाचा कह रही हूँ, मैं तो आपकी बेटी समान। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ, हम दूसरे टाइप के चाचा हैं। क्या ये तुम्हारे चाचा जी नहीं मानते तो हम लोग कुछ नहीं जानते। क्या बताएं, मानने वाली तो नहीं है लेकिन जबरदस्ती करना पड़ेगा। बुजुर्गों ने सही कहा है, अगर सीधी उंगली घी ना निकले तो टेढ़ी कर लेना चाहिए, ऐसा ही करना पड़ेगा। देखो कैसे तो आए मेरी प्यारी नैनी मिगलो चली, आए मेरी प्यारी नैनी, आए मेरी प्यारी नैनी मिगलो चली, हंसनी की तरह एक गुलफाम हो, आओ हंस करके सीने से लग जाने रे, उसन का तेरे पीड़ा हमें जाम है। करूंगी चाचा जी, मेरी सखी मना करेगी। तुम लोग हो जी हाँ, अरे तुम लोग देखता क्या बताओ। चाचा जी ने कहा था एक हफ्ते देखना और एक हफ्ते में मैं वापस नहीं आऊंगा, तो तुम रात दरबार आ जाना, ठीक है? ये आवाज कैसी है? ठीक है, चल रहा हूं सबसे पहले।
और छोड़ी पराई चीज को आए पाजी छोड़ पराई चीज को आए पाजी बकार बता किस लड़की को की छेड़ रहा है तो क्यों बे बाबा रास्ते में मेरे आए हो क्या मेरे नाम को तुम नहीं जानते इसलिए हाल होगी अरे तुम्हारी बुरी बात में सोच लो मैं नहीं जानता तो ठीक से बात कर मुझसे वो बेहया रे तेरी हिम्मत है क्या और तेरी ताकत है क्या इस कदर जो खा अले सीधे सीधे पूछ रहा हूं फिर भी नहीं बता रहा क्यों छेड़ रहा है इस लड़की को आप संत हैं तो क्या समझ पाएंगे हम तो संत हैं नहीं आप बाबा होकर हम लोग में क्यों कर रहे हैं ये बता इस लड़की को छेड़ क्यों रहा छेड़ रहा हूँ अरे हमारी आपस की बात है उसे समझा रहा हूँ ये आपस की बात और क्या तब हम बेकार में आ गए अरे जाओ बाबा जाओ माला जपो जाओ माला जपो जाओ 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 मैं जाने लगा तो वहां क्यों पहुंच गया उसके पास क्या बात बाबा ये मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है वो बाबा है ढोंगी है उनकी बातों में मत आओ मैं समझ मैं ढोंगी हूँ हमारी आपस की बात है वो आपके दृष्टि कर रही आप संत महात्मा है बोल रहा ढोंगी ऐसा करो तुरंत पैर पकड़ करके इससे माफी मांगो उसके पैर पकड़ हाँ माफी मांगो और बोलो बहन मुझे माफ कर दो देखे थे लेकिन संतों की बहन नहीं देखे थे संतों के बहन नहीं देखे थे लेकिन तुम्हारी तरह जो तुम्हारे तरह जो आम लोग हैं गलती हो गई ये अरे साले मैं ये बताओ बोल रहे हो संतों के बहन नहीं लेकिन जो तुम्हारी तरह साधारण लोग हैं उनके बहन होती हैं या नहीं तो ठीक है पैर पकड़ करके बोलो बहन मुझे माफ कर दो जल्दी करो साले इधर चलिए क्या खड़ी हो गए यहीं पे कहना होगा हाँ उसका पैर पकड़ करके बोलो बहन मुझे माफ कर दो ठीक है अरे दूर से बात अरे बोलोगे साले दूर से देखिए ममता बेटी मुझसे गलती हो गई है अब ऐसा गलती दोबारा नहीं करूंगा तो हमें जाने दीजिए पैर पकड़ो हाँ पकड़ ले रहा हूँ बाबा जी जाओ साले अरे बाबा जी आप कल से मैंने माफी मांग लिया पैर पकड़ लिया अरे पूजा बेटी मुझे माफ कर चुकी है जा रहा हूँ अरे जाते जाते जो है परेशान कर गया अच्छा है
तुम जाओ, तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा और मैं चलता हूँ। रुक जाइए, मैं कुछ आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बाबा क्या कहना चाहती हूँ? अरे बात दिल की बताना चाहती हूँ, बात दिल की बताना चाहती हूँ, चाहती हूँ। अरे तुझे अपना बनाना चाहती हूँ, तुझे अपना बनाना। एक बात बताओ। अरे तुझे अपना बनाना चाहती हूँ, चाहती हूँ। अरे जीवन साथी बना। एक बार बताओ, मैं तो बाबा हूं, तुम्हें तो और लोग मिलेंगे, उनसे जा करके शादी कर लो, अपना प्यार कर लो। मैं तुम्हें पहचान रही हूँ, तुम बाबा नहीं, राजकुमार गौतम। हो जी हाँ, अमर सिंह पाल सिंह के बेटे हो तुम। इसका मतलब तुम पहचान रही हो? जी हाँ। तो चलो, समय नहीं है, हम चलते हैं। और तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे। Come on, somebody.
महारानी जी, आज हम जाएंगे शिकार खेलने। आप शिकार खेलने जाएंगे? जी हाँ। तो हम भी चलेंगे? नहीं, हम और सेना पर जाएंगे। अरे आप एक शेर मारेंगे ना, तो चार शेर मैं मारूंगी। ठीक है, हम सेना पर जाएंगे। कोई बात नहीं है, जब आप शिकार ही खेलना जाना चाहते हैं ना, तो जाइए, हम महल में आराम करेंगे। ठीक है। अच्छा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। महाराज गए हैं शिकार खेलने, लेकिन उनसे पूछने को भूल गई कि कब तक वापस आएंगे। आज मौका अच्छा है, चल रही हूँ, अपने प्यारे से मिलती हूँ और उनसे कहूंगी कि महाराज गए हैं शिकार खेलने, उनका बिस्तर खाली है, आज अच्छा मौका है, चलते हैं हम दोनों वहां पर आराम करेंगे। चलिए उसी जंगल में शिकार करेंगे। आज शिकार खेलने नहीं चला जाएगा महाराज, आज शिकार खेलने नहीं चला जाएगा। बात क्या है? हमको दाल में काला लग रहा है। दाल में काला? हाँ। कहने का मतलब? आपस चलो, महारानी की निगाहें में गलत लग रही है। ठीक है, अगर दरबारी तो हम कहते हो तो चलिए आज हम शिकार खेलने नहीं जाएंगे। मेरा मित्र कानपुर से आया है, मैं चलता हूं उसे आज महाराज के दरबार में पूरे परिवार से मुलाकात करवाऊंगा। इससे महाराज को भी पता चल जाएगा कि मेरा बेटा आ गया है और मेरा काम बन जाएगा। महाराज से मुलाकात करवाऊंगा। महाराज, आखिरकार उस महात्मा की बात झूठी हो गई। हुआ क्या? आज केवल दिन बचा हुआ है, बाकी छह दिन निकल गए, अभी तक आपका बेटा नहीं आया। अर्जुन सिंह जी, एक दिन नहीं, एक मिनट बहुत होता है, हम उनका इंतजार करेंगे। महाराज कहो, अब हमें तो उस महात्मा की बात में कोई सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही है? अभी बहुत समय बाकी। अरे इससे क्या होता, अभी एक दिन बाकी है ना। आई सकता